और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के निधन की खबर सामने आ रही है। स्कॉटलैंड में एलिजाबेथ का निधन हो गया। आज ही हमने आपको बताया था, इससे पहले लगभग 2 से 3 घंटे पहले खबर सामने आ चुकी थी, जब वो स्कॉटलैंड में डॉक्टरों की खास निगरानी में थी और परिवार के तमाम सदस्यों को बुला लिया गया था कि यहां तक कि स्पीकर ने संसद को भी उस वक्त रोकते हुए जानकारी साझा की थी तमाम सदस्यों से, और उसके बाद कार्यवाही भी एक तरीके से समाप्त कर दी गई थी। तो उसी समय समझ आ गया था कि ये स्थिति जो है ये हर बार से ज्यादा विकट है, परेशान करने वाली है। इस बार स्थितियां अलग हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ब्रिटेन की महारानी का निधन, क्वीन एलिजाबेथ। एक लंबे समय तक क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जिन्होंने लंबे समय तक इस पद पर जो बनी रही, जो सबकी चहेती थी, एक तरीके से शाही परिवार की तरफ से आपको बता दें, ट्वीट करके जानकारी साझा की गई है, 96 वर्ष की थी क्वीन एलिजाबेथ। और अभी हाल ही में हमने उनकी जो सबसे लेटेस्ट तस्वीर देखी थी, जब लिज ट्रस गई थी प्रधानमंत्री के रूप में, शपथ ग्रहण जब उनका करवाया था, उससे पहले जब हाथ मिलाती तस्वीरें भी सामने आई थी। और स्कॉटलैंड में इसलिए लगातार वो रह रही थी क्योंकि उनका ट्रैवल, एक तो पहले ही डॉक्टर्स की तरफ से मना किया गया था, ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो वहां पर स्कॉटलैंड में जो घर है वहीं पर लगातार वो बनी हुई थी, वहीं पर डॉक्टर्स भी उनको देखा करते थे, वहीं पर उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता था, तमाम चीज़ें इसी तरीके से पिछले कुछ अरसे से लगातार चलती आ रही थी। लेकिन आपको बता दें, बहुत बड़ा झटका, बड़ी खबर है, ब्रिटेन की महारानी की तबीयत बिगड़ी थी, ये जानकारी लगभग 4 घंटे पहले ही सामने आ चुकी थी। राज परिवार के सभी सदस्यों को उसी वक्त सूचना भी दे दी गई थी, परिवार के सभी सदस्यों को बुला लिया गया था। बालमोराल पैलेस जो वहां पर मौजूद है स्कॉटलैंड में, जहां पर महारानी एलिजाबेथ वहीं पर अपने आखिरी दिनों में लगातार थी, वहीं पर सारे परिवार के सदस्य गए हुए थे। बकिंघम पैलेस के अनुसार सभी सदस्य जो है वो स्कॉटलैंड के बालमोराल पैलेस के लिए रवाना भी, जैसी इंफॉर्मेशन सामने आई थी तभी रवाना हो गए थे, जहां पर इस वक्त लगातार क्वीन रह रही थी। ब्रिटिश संसद में कार्यवाही भी चल रही थी और उस दौरान स्पीकर लिंडसे ने कार्यवाही को रोककर सदन की तरफ से क्वीन को बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। ये तभी, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां बनती नजर आ रही थी उस वक्त ही ऐसा लग रहा था कि अब शायद देर हो चुकी है, इस बार मुश्किल होगा। इससे पहले उनको कोविड होने की भी खबर सामने आई थी, तब भी बहुत सारी खबरें ऐसी हवा में तैरी थी उनके जीवन को लेकर के, नहीं रही, ये तमाम तरीके की मिसगाइडेड जो खबरें थी वो सामने आई थी, लेकिन फिर वो गलत साबित हुई। उसके बाद काफ़ी हमने देखा, काफ़ी समय तक वो ठीक ठाक थी, हालांकि 96 साल की उम्र कम नहीं होती और ऐसे में उनको एज रिलेटेड तमाम तरीके की समस्याएं थी। लेकिन इस बार आज का दिन बेहद भारी साबित हुआ है। आपको बता दें, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जिनका निधन हो गया है, तमाम सदस्य उन पहले ही पहुंच चुके थे स्कॉटलैंड बालमोराल पैलेस में उनके साथ वहां पर, ताकि आखिरी दर्शन कर पाएं। अब कितने बजे एग्जैक्टली उनका निधन हुआ, क्या उनके निधन से पहले परिवार के तमाम सदस्य उनके साथ थे, पहुंच चुके थे, क्या आखिरी वो जो लुक ट्रांसफ़र, एक दूसरे को देख पाना क्या संभव हो पाया, ये तमाम चीज़ें अभी सामने आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें, दुखद खबर जो है खुद शाही परिवार की तरफ से ट्वीट कर साझा की गई है, औपचारिक जानकारी जो कि अब सामने आ चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, ये और ये देखिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें स्कॉटलैंड में जिस महल में वो रहा करती थी, उसके बाहर देखिए जैसे इंफॉर्मेशन सामने आई है, तमाम उनके चाहने वाले, क्योंकि ये कद क्या था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते थे, लंबे वर्षों तक, 5 दशक से ज्यादा वक्त से लगातार वो इस पद पर थी, सबकी चहेती थी, एक छोटी सी उम्र में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला और लगातार उनके लिए जो प्यार था कभी कम नहीं हुआ जनता का, कई देशों की महारानी के रूप में, क्योंकि ये पद ही ऐसा होता है जिसमें कई देशों की वो महारानी थी, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रही, 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और वहां चाहने वालों का तांता लगना शुरू हो चुका है,
लगातार जो पहुंच रहे हैं, जैसे खबर सामने आई, एक तरीके से शोक की लहर दौड़ चुकी है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जो अब हमारे बीच नहीं रही। डॉक्टरों की निगरानी में थी, 96 साल उनकी उम्र। आपको यह भी बता दें, बकिंघम पैलेस ने आधिकारिक बयान भी इससे पहले जारी किया था, उसमें कहा गया था महारानी एलिजाबेथ की सेहत को लेकर हम चिंतित हैं, उन्हें निगरानी में रखा गया है। हम सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, ये आशंका पहले से थी जब परिवार के सदस्यों को बुलाया गया था, शायद वो आखिरी मुलाकात हो पाए, ये डॉक्टर्स भी समझ गए थे कि अब शायद संभव नहीं बचाना, और इसलिए परिवार को बुला लिया गया था। क्या जानकारी आ रही है, कितने एग्जैक्टली कितने बजे, क्या परिवार जब वो उनकी सांसें चल रही होंगी तब ही मिल पाया या फिर उनके निधन के बाद पहुंचा? औपचारिक ऐलान अब से कुछ देर पहले हुआ है, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि जब से निगरानी में रखा गया था तब से महारानी अचेत थी, और इसी कारण से उनके परिवार वालों को, उनके चारों बच्चों को बालमोराल कैसल बुला लिया गया था। आप जानती हैं इस वक्त वो स्कॉटलैंड के बालमोराल कैसल में थी, और वहाँ वो इसीलिए थी क्योंकि उनके स्वास्थ्य कारणों से उन्हें वहाँ रखा गया था। वरना अमूमन यही होता है कि बकिंघम पैलेस में ही जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं उन्हें वो शपथ दिलाती हैं। ये परंपरा पहली बार वहाँ न होकर के बालमोराल कैसल में हुई थी, और कल की वो तस्वीर है जिसमें खड़े होकर के उन्होंने स्वागत किया था ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस का। लेकिन आज देखिए, ये उनके निधन की खबर आई है। 1922 में जन्मी और देखिए 1926 में जन्मी और 2022 में उनका देहांत, और 70 साल लंबा उनका कार्यकाल महारानी वो रहीं, और कहते हैं कि सबसे लंबा 15 प्रधानमंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलाई, और क्वीन को लेकर के बड़ा ही एक भावनात्मक लगाव था इंग्लैंड के लोगों में। आज जैसे ही उनकी तबीयत ख़राब है ये खबर आई, तो उस वक्त ब्रिटिश संसद में कार्यवाही चल रही थी, अचानक स्पीकर खड़े हुए और उन्होंने ये सूचना सभी सांसदों को दी जो उस वक्त हाउस में मौजूद थे, सदन में मौजूद थे, और सबों ने एक स्वर में उनके स्वास्थ्य की बेहतरी की कामना की। लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था, और इतनी लंबी यात्रा के बाद अब क्वीन एलिजाबेथ इस दुनिया में नहीं है। वो एक इतिहास की तरह थी, ख़ास तौर पर 1952 में जब से उन्होंने ये कार्यभार संभाला था, और तब से लेकर आज तक लगातार एक ऐसी छवि उनकी थी जो कभी भी किसी भी विवाद से दूर और अपने आप को हमेशा गरिमा के साथ निभाते चले आना। और ऐसे में जबकि आप जानती हैं दुनिया के कई देशों में मोनार्की को ख़त्म किया गया, राजशाही को ख़त्म किया गया, आंदोलन हुए, लेकिन इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन ही वो देश था जहाँ कभी भी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, और हमेशा क्वीन एलिजाबेथ को एक दर्जा दिया गया। क्वीन एलिजाबेथ के पास, आप जानते हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलती है, लेकिन क्वीन का जो इंस्टीट्यूशन था उसे बरकरार रखने में ही सब लोगों की सहमति हमेशा से बनी। किसी ने मॉनार्की को, वहाँ पर राजशाही को अबॉलिश करने की बात कभी नहीं की। ये जो एक परंपरा थी उसे कायम रखा जाए, सब लोगों की वहाँ यही एक तरह से यूँ कहें कि उनका विजडम, उनका चाल ढाल, उनका व्यवहार लोगों के बीच, उनकी अपनी एक छवि सब लोगों को बहुत प्रिय थी, और उसी का असर था कि आज क्वीन एलिजाबेथ के जाने के बाद पूरा देश स्तब्ध है, और ख़ास तौर पर दुनिया भर में क्वीन एलिजाबेथ की मौत को लेकर कहा जा सकता है कि बहुत से लोग आज दुखी। जी अच्छा संजीव, कुछ भारतीय समय अनुसार अभी एग्जैक्टली कितने बजे और स्कॉटलैंड में थी, हम देख रहे हैं कि वहां पर उनके चाहने वालों का तांता लगना शुरू हो गया है बाहर। तमाम लोग, जैसे इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जाहिर तौर पर एक इतनी बड़ी शख्सियत ही बताने की जरूरत नहीं है, तो सभी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। एग्जैक्टली स्कॉटलैंड में कितना इस वक्त बज रहा है, क्या समझे, क्योंकि दिन हमें देखने को मिल रहा है वहां। देखिए 5.5 घंटा का समय का अंतर होता है ग्रीनिच मीन टाइम GMT और भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, और इस वक्त 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा स्कॉटलैंड में जब हम आपसे बात कर रहे हैं। और चूंकि जानकारी पहले ही लोगों के बीच फैल गई थी कि शायद
क्वीन अब बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और ऐसे में उनकी रिकवरी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की जानकारियां पहले आने लग गई थी और यही वजह है कि बालमोराल कैसल के बाहर बहुत से लोग अब जमा होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबों को ये आशंका थी कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। उन्हें जब बकिंघम पैलेस से बालमोराल ले जाया गया था, उस वक्त भी ये खबर आई थी कि उनकी तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन कल उनकी जीवट को मानना पड़ेगा कि वो जो परंपरा होती है और जिसमें कि किसिंग ऑफ द हैंड कहा जाता है, और उसमें जो नए प्रधानमंत्री होते हैं वो किसिंग ऑफ द हैंड के लिए जाते हैं और वो क्वीन का हाथ अपने हाथों में पकड़कर एक शपथ लेते हैं। हालांकि अब किसिंग ऑफ द हैंड नहीं होता है, पहले के ज़माने में हुआ करता होगा, लेकिन उस किसिंग ऑफ द हैंड की जो एक परंपरा है उसे निभाने के लिए लिज ट्रस कल स्कॉटलैंड गई थी। बोरिस जॉनसन जो निवर्तमान प्रधानमंत्री थे वो भी कल स्कॉटलैंड गए थे और क्वीन ने उनसे भी मुलाकात की थी, और निवर्तमान प्रधानमंत्री और नए प्रधानमंत्री दोनों से मुलाकात, और उसके बाद लिज ट्रस को नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने के बाद वो अपना ये कह सकते हैं कि आखिरी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। कल ही इस बात को लेकर के लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई थी, आशा, कि आखिर उनका वीडियो क्यों नहीं आया, आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमेशा क्वीन एलिजाबेथ का वीडियो आया करता था जब भी वो किसिंग ऑफ द हैंड का कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन कल जब लिज ट्रस को उन्होंने शपथ दिलाई थी तो नहीं आया था। एक फोटोग्राफ सामने ला दी गई थी और रॉयटर्स और बड़े बड़े समाचार एजेंसियों के पास भी कोई वीडियो नहीं था, और तभी ये लगा था कि क्या क्वीन सचमुच बहुत बीमार हैं जिस कारण से एक वीडियो सामने नहीं लाया गया है। वो कार्यक्रम भी बहुत कम देर चला था और कहा ये गया था कि आधे घंटे की मुलाकात होनी है, लेकिन बमुश्किल कुछ मिनटों की मुलाकात क्वीन से हुई थी लिज ट्रस की, और उसके बाद वो चली आई थी। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि कल से ही तबीयत ख़राब थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्वीन बहुत ज़्यादा सजग थी और इसीलिए शायद ये कल का कार्यक्रम हुआ। अब इतने लंबे कार्यकाल, 70 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें उन्होंने 15 प्रधानमंत्री देखे, कहा यही जा सकता है कि उन्हें बड़ा एक सम्मानपूर्ण विदाई दिया जाएगा, और फिर वो वक्त आ गया है जब इंग्लैंड को एक नया राजा मिलेगा। जी।